सुनते हैं। और राशन के साथ दाल, तेल और नमक, ये भी है कि नहीं है? है ना? क्या 17 के पहले भी मिलता था क्या? 17 के पहले यही राशन सपा की सरकार रहती थी तो सपा की गुर्गे खा जाती थी, और अगर बसपा की सरकार होती थी तो वहन जी के हाथी का पेट ही इतना बड़ा है कि सारा राशन उसे ही। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास की बात कही, हम सबका साथ विकास और सबका विकास भी कर रहे हैं। सबको बिजली, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान और गरीब कल्याण। देखिए अभी तो ये झलक है, अभी सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों 10 मार्च के बाद उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के जन्म लेने पर अभी तक हमने 2017 में मैंने प्रारंभ किया था कि बेटी और बेटी, बेटी और बेटे में कोई भेद न हो, तो बेटी जन्म लेगी कन्या सुमंगला योजना में हम 15,000 रुपया देते हैं जन्म से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए। हमने तय किया है अब बेटी के लिए इस राशि को हम 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 करेंगे। साठ साल से ऊपर की जितने भी माताएं होंगी, बहनें होंगी, उनको फ्री में यात्रा के लिए परिवहन निगम की बस की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। अब तक हम लोगों ने ये सुविधा केवल रक्षाबंधन के लिए दी थी, और कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटियों को फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मैंने 2017 में प्रारंभ की थी। पहले हम लोग 35,000 अनुदान देते थे, फिर इसको बढ़ा करके कन्यादान के लिए 51,000 रुपया किया गया। अब हम लोग इस राशि को बढ़ा करके बेटी की शादी में कन्यादान सरकार की तरफ से 1,00,000 रुपया देंगे। भाइयों बहनों, हमारा नौजवान कैसे छोड़ सकता है? पिछले 5 वर्ष में 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है हमने, 5,00,000 नौजवानों को, और 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। भाइयों बहनों, अगले 5 साल के लिए हम लोगों ने तय किया है उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया। तो योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, लगातार अपने सर